दोस्तों, क्या आप भी फेसबुक यूज़ करके फेसबुक से ढेर सारे पैसे कमाना चाहते हो? तो आपको एक फेसबुक पेज क्रिएट जरूर करना चाहिए। और फेसबुक पेज क्रिएट कैसे करते हैं, इसका सही तरीका क्या है, फेसबुक पेज पर आपको कौन कौन सेटिंग करना होगा और फेसबुक पेज पर सही तरीके से वीडियोज अपलोड कैसे करते हैं, वो सारा कुछ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखेगा। और दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो यूट्यूब के साथ साथ अगर आप फेसबुक पेज बनाते हो तो यहाँ से आपका डबल कमाई होने वाला है, सोने पर सुहागा होने वाला है, क्योंकि आप एक ही वीडियोज को बना करके उसी सेम वीडियोज को यूट्यूब के अलावा फेसबुक पेज पर भी अपलोड करके यहाँ सभी पैसे कमा सकते हो। मतलब कि सिंगल मेहनत और डबल कमाई यहां पे आपका होने वाला है। तो थ्री वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत और आप देख रहे हैं सुजीत के वीडियो। अगर वो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले हमारे वीडियो को आप वॉच कर सके। दोस्तों, फेसबुक पेज को मोनेटाइज करने के लिए आपको बस 10,000 फॉलोअर और 6 लाख मिनट का वॉच टाइम आपको लास्ट 60 डेज में कंप्लीट करना है। और आपको बस ये देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन काफी रिच इसका अधिक होता है, इसलिए आप आसानी से इसे पूरा भी कर लोगे। आपको वहीं पर YouTube का बात करूं तो मोनेटाइजेशन के लिए आपको 1,00,000 सब्सक्राइबर और 4 घंटे का वॉच टाइम 1 साल में पूरा करना होता है, लेकिन Facebook पेज पर आपको सिर्फ 60 दिन का समय मिल रहा है, क्योंकि इसका रीच बहुत ज्यादा है और आप 60 दिन में इसे पूरा भी कर लोगे। चलिए बात करते हैं कि Facebook पेज आप कैसे बनाओगे। तो यहाँ बगल में आप देखिए इस बार का स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और यहाँ मैं आपको Facebook पेज लाइव क्रिएटर बताऊंगा और इसमें कौन कौन सेटिंग करना है वो भी मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को यहाँ से आप ध्यान समझिएगा, एक भी स्टेप को मिस मत करिएगा, नहीं तो आपका कोई स्टेप मिस हुआ तो आपका Facebook पेज अच्छे से बनेगा नहीं और कोई जो बटन है वो आपका अच्छे से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आपको फेसबुक एप्लीकेशन दिखाया जा रहा है, इसको आपको ओपन करना है। अब से यहाँ पे देखिए आपका फेसबुक ओपन हो गया है यहाँ पे, लेकिन समझना होगा कि आपको ये एक प्रोफाइल है और प्रोफाइल से ही आपको एक फेसबुक पेज क्रिएट करना है। ठीक है, जैसे कि आप एक ही ईमेल आईडी से यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हो, उसी तरह से आपको एक फेसबुक प्रोफाइल से आपको फेसबुक पेज क्रिएट करना है। इसके लिए देखिए यहाँ पे ऊपर में आपको राइट कोर में इस जगह पे थ्री लाइंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्रोफाइल वाले बगल में देखिए थ्री लाइंस है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने काफी ऑप्शन आते हैं, लेकिन थोड़ा सा नीचे करूंगा यहाँ तो देखिए आपको पेजेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस जगह पे। ठीक है, तो आपको पेजेस में क्लिक करना है। पेजेस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने अगर पहले से पेज बना हुआ है तो वो आपको शो हो जाएगा, लेकिन अगर आपका पहले से पेज नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे देखिए आपको ऊपर में क्रिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर पेज पहले से बना हुआ है तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको ऊपर में एक क्रिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इसमें क्लिक करना है। ठीक है, तो क्रिएट पर मैं क्लिक करता हूँ और क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अब यहाँ से सारा स्टेप आपको बारीकी से समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखिए नीचे में दिखाई दे रहा है ग्रीन पट्टी गेट स्टार्टेड का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने एक अगला पेज आएगा और यहाँ पर लिखा हुआ व्हाट्स द नेम ऑफ योर पेज, मतलब कि आपका फेसबुक पेज का नाम क्या होना चाहिए। और यहाँ पे आपको समझना दोस्तों, जैसे आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम को यूनिक रखते हैं, उसी तरह से आपको फेसबुक पेज का भी नाम यूनिक रखना है, ताकि पहले से अगर आपका उस नाम से पेज नहीं होगा तो यहाँ पे आपका यूनिक चैनल नेम होने की वजह से कोई भी कुछ सर्च करेगा तो आपका पेज भी सर्च होने का संभावना बढ़ जाता है आपके कैटेगरी में। ठीक है, तो यहाँ मैं अपना फेसबुक पेज का नाम डालता हूँ, जैसे कि मैं डालूंगा यहाँ पे अपना सुजीत ऑफिशियल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना सुजीत ऑफिशियल डाल देता हूँ और इसके बाद में आपको देखिए नीचे में नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपको रिफ्रेश नहीं करना है। इसके बाद अगला पेज आपका आएगा कैटेगरी का, यहाँ आपको कैटेगरी डिसाइड करना है कि आपका फेसबुक पेज है, ये फेसबुक पेज में आप किस कैटेगरी का वीडियोज को अपलोड करोगे। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ पॉपुलर कैटेगरी दिखाई दे रहा है, इस जगह पर देख सकते हैं म्यूजिशियन बैंड, यहाँ पे हेल्थ ब्यूटी और ग्रोसरी स्टोर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका कैटेगरी नहीं है तो आप इस जगह से देखिए सर्च भी कर सकते हो अपने कैटेगरी को। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लिया कि आपका कुकिंग वीडियोज अपलोड करोगे तो यहाँ पे आप कुकिंग लिखोगे तो यहाँ पे कुकिंग के लिए कैटेगरी आ जाएगा और यहाँ से आप देखिए किचन एंड कुकिंग यहाँ पे सर्च कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ जो मेरा कैटेगरी है वो है डिजिटल क्रिएटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिजिटल क्रिएटर यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। और दोस्तों, अगर आप किसी और भी कैटेगरी को साथ साथ यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप मान लिया कि पढ़ाते हो तो यहाँ पे आप एजुकेशन भी सेलेक्ट कर सकते हो। कहने का मतलब कि आप एक से अधिक कैटेगरी भी यहाँ पे सर्च करके सेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सिंगल ही रन दूंगा क्योंकि मेरा एक ही कैटेगरी है। इसके बाद आपको देखिए क्रिएट का ऑप्शन दिखा जा रहा है, आपको क्रिएट पर क्लिक करना है, तो मैं क्रिएट पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद अगला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और अगला पेज ओपन होने के बाद आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपको दिखा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ है, मतलब कि पेज क्रिएट हो गया है, लेकिन कुछ सेटिंग है जो जरूरी है आपके चैनल के लिए और यहाँ पे वो करना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऊपर में लिखा हुआ है फिनिश सेटिंग अप योर पेज। ठीक है, आपके फेसबुक पेज के लिए आपको सेटिंग जो है उसे फिनिश करना है। सबसे पहले देखिए जनरल में दिखाई दे रहा है बायो का ऑप्शन, और बायो में आपको क्या लिखना है, अपने पेज के बारे में बताना है। जैसे कि आप यूट्यूब चैनल के बारे में बताते हो कि आपके चैनल पर किस तरह का वीडियो आने वाला है, उसी तरह आप फेसबुक पेज बता दीजिए कि आपके फेसबुक पेज पर किस तरह के वीडियोज आप अपलोड करोगे। तो मैंने पहले से ही बायो के लिए लिखा हुआ है अपने नोटपैड में, तो यहाँ पर सिंपली नोटपैड ओपन करूंगा और यहाँ पर सिंपली कॉपी पेस्ट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट ऑल करूंगा, सेलेक्ट ऑल करने के बाद यहाँ पर सिंपली कॉपी करूंगा और बायो वाला सेक्शन
सेक्शन में आ करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं सिंपली पेस्ट कर दूंगा ताकि मेरा बायो यहाँ पर आ जाए। अब इसके बाद देखिए नीचे में आएंगे तो यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट का दिखाई दे रहा है ऑप्शन, या अगर आपका वेबसाइट है तो डाल सकते हैं, या फिर आपका ईमेल आईडी या फिर आपका फ़ोन नंबर यहाँ पर आप डाल सकते हैं ताकि कोई आपको कॉन्टैक्ट करना चाहे तो इस तरह से आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए लोकेशन दिखाई दे रहा है, तो आप एड्रेस डाल सकते हैं, सिटी टाउन डाल सकते हैं, जिप कोड डाल सकते हैं, और इसके अलावा नीचे आएंगे तो आवर्स में दिखाई दे रहा है कि किस टाइम पर आप अवेलेबल रहती हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए नो आवर्स देख सकते हैं, यहाँ पर नो आवर्स सेलेक्ट करोगे तो आपका आवर्स दिखाई नहीं देगा। इसके बाद आप ऑलवेज ओपन करोगे तो यहाँ पर आप ऑलवेज एक्टिव दिखोगे, और यहाँ पे आप कुछ खास टाइम सेलेक्ट कर सकते हो थर्ड ऑप्शन में क्लिक करके, मतलब कि इतना बजे तक आप अवेलेबल रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगा ऑलवेज ओपन, ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। ये सारा कुछ मैंने अभी छोड़ दिया है, ये आप बाद में भी ऐड कर सकते हो एडिट करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली छोड़ रहा हूँ इसे ताकि आपका समय बच जाए। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपका अगला पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। और अगला पेज में देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अपना आपका जो प्रोफाइल फोटो है वो यहाँ पर लगाना है, और आपका एक कवर फोटो लगाना, ठीक है। तो यहाँ मैंने इस मोबाइल पर कोई भी फोटो नहीं रखा हुआ है, लेकिन कुछ है जो आपको मैं यहाँ पर लगा के दिखाऊंगा ताकि आपको प्रोसेस समझ में आ जाए। तो आपको कैमरा में क्लिक करना है और आपको गैलरी में जाना है, और यहाँ पे देखिए प्रोफाइल फोटो भी मेरा नहीं है और कवर फोटो भी नहीं है, लेकिन एक बैकग्राउंड है उसी को मैं यहाँ पे सेट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड को टच करूंगा और यहाँ पे प्रोफाइल फोटो में सेट हो जाएगा। और इसके बाद देखिए आपको पीछे में कवर फोटो दिखाई दे रहा है, उसका कैमरा आपको क्लिक करना है और गैलरी में जाना है और कवर फोटो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। दोस्तों मेरे इस मोबाइल में कोई फोटो नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे अगर आपका लोगो है तो प्रोफाइल फोटो में सेट कर लीजिएगा और आपको कवर फोटो को भी सेट करना है। तो यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान समझ रहा है, यहाँ पर देखिए आपको एडिट एक्शन बटन दिखा दे रहा है, ठीक है। तो एक्शन बटन आपको जाना है, काफी लोग इसे मिस करते हैं, बोलते हैं कि एक्शन बटन मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एडिट एक्शन बटन में क्लिक करना है, और यहाँ पे आप काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, यहाँ पर ध्यान समझिएगा। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो ट्राई इट का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, ट्राइट में आपको क्लिक करना है, ठीक है। ट्राइट में क्लिक करोगे इसके बाद यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ आप ध्यान समझ लीजिए आपका प्रोफाइल में क्या चीज़ें दिखाई देना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर आपका वेबसाइट है तो आप साइनअप पर क्लिक करवा के अगर इसे सेट करोगे तो साइनअप पर क्लिक करके आपके वेबसाइट में जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से आप नीचे आओगे, जैसे यहाँ पर मैं सेट करूँगा मैसेज, ठीक है। तो जैसे मैसेज सेट करता हूँ, और इसके बाद नीचे आकर के आप यहाँ पर वॉच नाउ भी सेट कर सकते हैं, जैसे अगर आप यूट्यूब वीडियोज़ देखना चाहते हो तो उसे भी यहाँ पर सेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक ही ऑप्शन सेट करूँगा यहाँ पर मैसेज वाला, और इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहां पे आपको सेव पर क्लिक कर देना, ठीक है। इसके बाद यहां पे आप देखिए यहां पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो अगला पेज आपके सामने आ जाएगा। अगला पेज में क्या है वो भी आप देख लीजिए अच्छे से। यहां पे दोस्तों आपको एक एक चीज को अच्छे से समझना है, कोई भी स्टेप को मिस मत कीजिएगा, देखने में छोटा छोटा चीज है लेकिन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट आपके फेसबुक पेज के लिए, ठीक है। अब यहां पे इस पेज में देखिए यहां पे आ रहा है व्हाट्सएप नंबर ऐड करने का, अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप नंबर ऐड कर सकते हैं ताकि लोग आपको कॉन्टैक्ट कर व्हाट्सएप मैसेज दे, लेकिन अगर आप चाहें कि व्हाट्सएप नंबर नहीं डालना है तो नीचे में देखिए आपको स्किप करने का ऑप्शन आ रहा है, आप इसमें क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे जो अगला पेज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान समझना है। दोस्तों अभी आपके फेसबुक पेज में एक भी फॉलोवर नहीं है, जीरो फॉलोवर है, लेकिन आप चुटकी बजा करके अपने जितने फ्रेंड्स है उसको फॉलोवर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको एक चीज करना है, बस यहाँ पे देखिए आपको इनवाइट फ्रेंड्स का ऑप्शन दिखा दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करोगे तो आपके प्रोफाइल में जितने फ्रेंड्स है फेसबुक का उसका लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सारा कुछ आ चुका है, सारा लिस्ट आ चुका है। अब यहाँ पर आप जिसको भी इन्वाइट करना चाहते हो फेसबुक पेज को फॉलो करने के लिए, उसका चेकबॉक्स में आप क्लिक करोगे और क्लिक करके इन्वाइट कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो जितने फ्रेंड्स है वो सारा एक ही बार में सेलेक्ट हो जाए तो यहाँ पे देखिए ऊपर में लिखा हुआ है इस जगह पे सेलेक्ट ऑल का, आपको इसमें क्लिक करना है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपके प्रोफाइल में 1000 से अधिक फ्रेंड्स है तो आपको एक बार में 1000 फ्रेंड्स को ही रिक्वेस्ट भेज सकते हो, इनवाइट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1000 फ्रेंड सेलेक्ट हो गया है, और यहाँ नीचे देखिए ब्लू पट्टी आया है सेंड इन्वाइट 1000, मतलब कि ये 1000 लोगों को इन्वाइट कर लेगा, और उसके बाद में फिर अलग से आप दूसरे 1000 को इन्वाइट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मैं सेंड कर दूंगा सेंड इन्वाइट 1000, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे 1000 लोगों को इन्होंने इन्वाइट कर दिया है, और जितने भी लोग उस मैसेज को देखेंगे इन्वाइट देखेंगे वो एक्सेप्ट करके मेरे फेसबुक पेज पर आ जाएंगे और मेरा फॉलोवर बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपने समझ लिया ये कैसे आपको फॉलोवर बढ़ाना है, वो भी आप अच्छे से समझ जाइए, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह से दिखा देगा, दो ऑप्शन आपको दिखा दे रहा है, यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका है पेज नोटिफिकेशन का, और दूसरा है मार्केटिंग एंड प्रमोशनल ईमेल अबाउट योर पेज, ठीक है। यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, पहला ऑप्शन जो है नोटिफिकेशन वाला इसको आपको ऑन रहने देना है, और इसके बाद नीचे में आपको डन पर क्लिक करना है। डन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, और आपका प्रोफाइल में लॉगिन कर रहा है, ठीक है, मतलब फेसबुक पेज में लॉगिन कर रहा है, और इसके बाद आपका फेसबुक पेज बनकर रेडी हो चुका है, लेकिन कैसे दिखेगा वो भी मैं आपको दिखाता हूं। आपका फेसबुक पेज बनकर रेडी हो गया, अब यहां पर मैं टच करूंगा साइड में, और यहां पर देखिए आपका फेसबुक पेज इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप यहां पर देखिए नीचे में जाएंगे, यहां पर लोडिंग ले रहा है, नीचे जाएंगे तो यहां पर देखिए लिखा हुआ डेटास में पेज यहाँ पर लिखा हुआ है और डिजिटल क्रिएटर लिखा हुआ है, जो कैटेगरी मैंने सेलेक्ट किया था, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि आपका जो फ्रेंड्स है उसको आपका या फिर जो भी फॉलोवर है उसको आपका पेज कैसा दिखा देगा, आप कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको इस जगह पे थ्री डॉट दिखा दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे यहाँ पे
यहाँ पे देखिए आपके सामने काफ़ी ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे देखिए फोर्थ नंबर पे आपको व्यूअर्स का ऑप्शन दिखा दे रहा है, आपको इसमें क्लिक करना है। व्यूअर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पब्लिक को या फिर आपके फ्रेंड्स को फॉलोअर को कैसा आपको प्रोफाइल दिखा देगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको फोटो दिखा देगा, प्रोफाइल फोटो, कवर फोटो, आपका पेज का नाम दिखा देगा, कितना लाइक्स है, कितना फॉलोअर, सब कुछ दिखा देगा। और नीचे में आपका पेज के बारे में दिखा देगा, किस कैटेगरी का है, वो सब कुछ आपको दिखा देगा। और अगर वो आपको फॉलो कर लेता है, आपका जो भी पोस्ट होगा वो यहाँ नीचे देख सकता है। ठीक है, इस तरह से आप, मैं अब से बैक कर लूँगा। बैक करने के बाद एक चीज़ आप बता दूँ, अगर आप अपने फेसबुक पेज में कोई भी सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में ही ऑप्शन आ रहा है एडिट करने का। ठीक है, यहाँ पर आप एडिट में क्लिक करके अपने फेसबुक सेटिंग को चेंज कर सकते हैं कभी भी। जैसे मैं दिखाता हूँ, एडिट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए आप कोई भी सेटिंग को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी चेंजेस अपने हिसाब से कर सकते हैं और फिर सेव कर दोगे, आपका सब सेटिंग सेव हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका फेसबुक पेज बनकर तैयार हो गया है। अब आपको यहाँ पर वीडियो अपलोड करना है और यहाँ से आप पैसे कमा सकते हो, लेकिन कुछ क्राइटेरिया आपको पूरा करना पड़ेगा। जैसे कि फेसबुक पेज मोनेटाइज करने के लिए आपको 10,000 फॉलोअर होना चाहिए और आखिरी का 60 दिन में आपका 6,00,000 मिनट व्यूज होना चाहिए, मतलब कि 6,00,000 मिनट देखा जाना चाहिए, पब्लिकली वॉच और होना चाहिए। ठीक है, इतना जो है ये आपका काफी आसानी से पूरा हो जाता है, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है। इसके बाद आपका फेसबुक पेज से भी कमाई शुरू हो जाएगा और मैंने आपको शुरुआत में बताया है कि आप एक ही वीडियोज को फेसबुक पेज पर भी और यूट्यूब पर भी अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप सिंगल मेहनत में यहाँ से भी पैसे कमाओगे और वहाँ से भी पैसे कमाओगे। ठीक है, अब फेसबुक पेज पर वीडियो सही तरीके से अपलोड कैसे करते हैं इसके थोड़ा सा इंतजार करिए, वीडियो काफी लंबा हो चुका है ऑलरेडी। तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि आपको सही तरीके से फेसबुक पेज पर कैसे वीडियोस अपलोड करना है। इसके अलावा एक चीज और बताऊंगा, यहाँ पर बैक करता हूँ और यहाँ देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सी डैशबोर्ड का। ठीक है, तो यहाँ पे आप सी डैशबोर्ड में क्लिक करके यहाँ पे आप फेसबुक पेज का डैशबोर्ड देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका कितना वॉच और पूरा हुआ है, कितना रीच हुआ है, सारा कुछ परफॉर्मेंस यहाँ से आप देख सकते हो। इसके अलावा मैं एक चीज और ऐड करूंगा, जैसे कि आप अगर एक यूट्यूबर हो तो आपने यूट्यूब का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, रीच देखने के लिए आप एक एप्लीकेशन यूज करते हो, उसका नाम है वाइटी स्टूडियो। वहां से आप देखते हो कि फेसबुक में क्या क्या हो रहा है, कितने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, कितना मिनट आ रहा है, कितना व्यूज आ रहा है, वो सब कुछ देख सकते हो। ठीक है, उसी तरह आप फेसबुक पेज का जो रीच है उसे चेक करने के लिए, परफॉर्मेंस चेक करने के लिए एक एप्लीकेशन यूज कर सकते हो जिसका नाम है क्रिएटर स्टूडियो। ठीक है, और ये जो एप्लीकेशन है देख सकते हैं, ये वाला एप्लीकेशन है और इसको आप फेसबुक पेज के लिए यूज कर सकते हो और आप फेसबुक पेज को आगे ले जा सकते हो। इसमें आप लॉग इन करके आप इसका परफॉर्मेंस देख सकते हो कि आपका फेसबुक पेज में क्या चल रहा है, कितना परफॉर्म कर रहा है, कितना रीच आ रहा है, कितना मिनट व्यूज आ रहा है, सारा कुछ आप देख सकते हो और इसको यूज करके आप अपने फेसबुक पेज को आगे ले जा सकते हो। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि आप किस तरीके से आप अपने फेसबुक पेज को क्रिएट कर सकते हो, क्या क्या सेटिंग करना है और वीडियोस अपलोड करने का तरीका मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, सही तरीके से आप फेसबुक पेज पर वीडियो कैसे अपलोड करोगे। इसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अगला वीडियो मेरा इसी टॉपिक पे आने वाला है। ठीक है, और आपको यहाँ पे ये सारा कुछ सेटिंग करके अपना फेसबुक पेज रेडी करना है और फेसबुक पेज पर वीडियो अपलोड करके आप यहाँ से पैसे कमा सकते हो। तो इस तरह से आप अपना फेसबुक पेज क्रिएट कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए और सबसे पहले हमारे वीडियोस को आप वॉच कर सके। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।